आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक देख रहे हैं, विदेशी विनिमय में काम आने वाले महत्वपूर्ण प्रलेख, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यूज इन फॉरेन मार्केट। वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो फॉरेन मार्केट में काम आते हैं। सबसे पहला होता है आदेश या इंडेक्स, ऑर्डर और इंडेक्स। सामान्यतः आदेश और इंडेक्स को हम एक ही मानते हैं, लेकिन जब आयातकर्ता द्वारा सीधे ही उत्पादक या निर्माता को माल भेजने का आग्रह किया जाता है तो इसे आदेश कहते हैं। जस्ट इसके विपरीत अगर हम देखें कि यदि किसी निर्यातक प्रतिनिधि को भेजा जाता है और उसके द्वारा आप आदेश दिलवाते हैं तो वो एक इंडेक्स भेजता है, ठीक है। इन दोनों में ये डिफरेंस रहता है। अब अगर हम देखें कि इनमें क्या क्या लिखा रहता है तो इसमें सबसे पहले लिखी रहती है माल की किस्म और मात्रा, कभी कभी इसमें सैंपल वगैरह भी भेज के बताया जाता है। सेकंड होता है मूल्य, प्राइस लिखना बहुत ज़रूरी होता है ना, कि किस मूल्य पर वह माल को अपना भेजने के लिए तैयार है। तीसरा रहता है इंडेक्स में लिखी जाने वाली बात, पैकिंग, किस तरीके से वो माल को पैक करके भेजेगा। पैकिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है, जैसे पैक जिस प्रकार की आपकी वस्तु होती है उसके अकॉर्डिंग उसकी पैकिंग रखी जाती है। कुछ चीज़ों की पैकिंग लकड़ी की पेटियों में की जाती है, कुछ की बोरी में की जाती है। अगर कांच का रहता है मटेरियल तो आप खोखे वगैरह जो रहते हैं डिब्बे उनमें किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको माल की पैकिंग और चिन्ह भी बताने पड़ते हैं। फिर माल का लदाना और जो बीमा होता है उसके बारे में भी इसमें पूरी जानकारी रहती है कि आप किस जहाज़ से भेजेंगे, पानी वाले जहाज़ से भेजेंगे कि आप एरोप्लेन वगैरह से भेजेंगे, तो किस तरीके से आप माल को भेजेंगे और उसका बीमा उसमें रहेगा कि नहीं। फिर भुगतान, अब ये फिफ्थ नंबर का जो है वो पॉइंट रहता है अपना, कि जो भुगतान होगी वो किस उसमें होगी। तो जनरली जो आयातकर्ता देश होता है उसकी मुद्रा में भुगतान किया जाता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन ले लें कि भारत और ब्रिटेन है, इनके बीच में कोई विदेशी व्यापार हो रहा है, तो भारत से अपन निर्यात कर रहे हैं और आयातकर्ता ब्रिटेन है, तो जो भुगतान होगा वो पौंड में होगा। फिर पंचायत, अगर कोई प्रकार का किसी प्रकार का कोई विवाद होगा तो उस विवाद का सेटलमेंट कहाँ पर होगा, है ना, इसके बारे में भी जानकारी दी रहती है। अब सेकंड पॉइंट जो है वो हमारा है जहाजी आज्ञा। ये मैंने अभी पूरा फर्स्ट पॉइंट को ही आपको डिस्क्राइब किया है। फर्स्ट पॉइंट आदेश या इंडेक्स, ऑर्डर और इंडेक्स, इनमें क्या क्या चीज़ें लिखी रहती हैं वो सारे पॉइंट्स मैंने बताए थे। सेकंड है अपना शिपिंग ऑर्डर, जब जहाजी कंपनी जहाज के कप्तान को आदेश देती है कि वह आदेश में लिखे हुए माल को अपने जहाज पर लाद ले, तो इसे आदेश को जहाजी आज्ञा कहा जाता है, शिपिंग ऑर्डर कहते हैं। इसका एक पूरा फॉर्मेट होता है जिसमें सारी चीज़ें लिखी रहती है, कितना चढ़ाया, किसने चढ़ाया, कहाँ पे डिलीवर करना, ये सारी इंफॉर्मेशन होती है। थर्ड होता है जहाजी बिल। जहाजी बिल निर्यात का चुकाने का एक प्रपत्र होता है। यह बिल जो होता है वो तीन प्रतियों में होता है और अलग अलग कलर होते हैं इन प्रतियों का, ये छपा हुआ फॉर्मेट होता है, ठीक है। जहाजी बिल करमुक्त माल के लिए, ड्यूटी दे जहाजी बिल और ड्यूटी वापसी जहाजी बिल, इसके फॉर्म्स में रहता है। और इसको जहाजी बिल को जो है वो कस्टम के अधिकारियों के हस्ताक्षर करके भेजा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद जो है वो है अपना फोर्थ, डाक रसीद या चालान। समुद्र के किनारे जहाँ पर माल को लादने व उतारने के लिए जो स्थान होता है उसे हम कहते हैं डाक। जिस प्रकार से माल भेजने पर माल को पहले रेलवे के प्लेटफॉर्म पर रखा जाता है, उसी प्रकार समुद्री जहाज से भेजने के लिए पहले डाक पर रखा जाता है, या डाक का उपयोग उसी समय किया जा सकता है जबकि पहले डाक का चार्ज चुका दिया गया हो। जैसे अपन रेलवे प्लेटफॉर्म की टिकट लेते हैं या रेलवे प्लेटफॉर्म पर सामान रखते हैं, वैसे समुद्र से भेजते समय अपन को एक डाक के चार्जेस देने पड़ते हैं। अब फिफ्थ नंबर है कप्तान की रसीद। यह वह रसीद होती है जो जहाज का कप्तान देता है। यह एक प्रकार से एक प्रमाण पत्र होता है कि माल जहाज पर लाद दिया गया है। इसमें माल की तादाद, मार्ग, भेजने वाले का नाम, बंदरगाह जहाँ उतारा जाएगा आदि सारा विवरण रहेगा। सिक्स है
बिल ऑफ लेडिंग, यह एक प्रकार का प्रमाण पत्र होता है कि माल जहाजी कंपनी को एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह के भेजने के लिए सौंप दिया गया है। ठीक है, अब इसमें सारे चार्जेस अपने ऐड हो चुके रहते हैं जितने भी हैं। अब इसके बाद वाला जो पॉइंट है, इनकी सबके फॉर्मेट होता है, एक सेवन्थ होता है अपना निर्यात बीजक या व्यापारिक बीजक, एक्सपोर्ट इनवॉइस और कमर्शियल इनवॉइस। अब ये जो अपन ने भेजा है माल, उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड हो चुकी हैं, तो जैसे एक फ्री ऑन बोर्ड होता है FOB, कॉस्ट एंड फ्राइट CF, ये सारे आप इसके पहले भी एक वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। लागत बीमा या किराया मुक्त, सर्व व्यय मुक्त, मतलब इसमें जो लास्ट में आयात करता है उसके यहाँ तक पहुँचने के सारे व्ययों का भुगतान किया जा चुका है, यह भी 3 प्रतियों में होती है। पहली प्रति जो है निर्यात प्रपत्रों के साथ बैंक को भेजा जाता है, दूसरी आयातकर्ता को, और तीसरी निर्यातकर्ता अपने पास रखता है रिकॉर्ड के लिए। ठीक है, अब इसके बाद में एथ नंबर है मूल स्थान का प्रमाण पत्र। कभी कभी कुछ देश जो होते हैं किसी विशेष देश के साथ अपने माल का आयात निर्यात में कुछ जो शुल्क होते हैं आयात शुल्क, उनको कम कर देते हैं, तो यह वह जो देश से बुलाया जा रहे हैं उसको अपने यहाँ का एक मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ता है। यह प्रमाण पत्र निर्यातक देश का कोई सरकारी अधिकारी या जो भी संगठन इसके लिए योग्य होते हैं वो जारी करते हैं। ठीक है, 9th होता है इंश्योरेंस पॉलिसी। माल को लाने और ले जाने में जोखिम बहुत होता है और इस जोखिम के लिए बीमा कराया जाता है। अपने यहाँ भारत में ऐसे 13 से 14 कंपनीज हैं जो माल का बीमा करते हैं, जैसे नेशनल इंश्योरेंस कंपनी है, यूनाइटेड इंडियन इंश्योरेंस कंपनी है, ओरिएंटेड इंश्योरेंस कंपनी है, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है, और भी ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो बीमा कराती हैं। बीमा पॉलिसीज में क्या क्या लिखा रहता है, तो बीमा कंपनी का नाम पता, बीमा कराने वाले व्यक्ति का नाम पता, बीमा किए गए माल का विवरण, जोखिम का पूरा विवरण रहता है, ये सारी इंफॉर्मेशन रहती है। अब है इंपोर्ट लाइसेंस। इंपोर्ट लाइसेंस, आयात लाइसेंस व्यवस्था आयात क्रियाविधि का एक अंग है। आयात लाइसेंस आयात करने की अनुमति होती है, इसमें जो भी देश के सरकारी अधिकारी से जारी करते हैं। भारत में वर्तमान में निम्न प्रकार के आयात लाइसेंस हैं। पहला है खुला सामान्य लाइसेंस, ओपन जनरल लाइसेंस। सेकंड है ऑटोमेटिक लाइसेंस, स्वचालित लाइसेंस। रिप्लेसमेंट लाइसेंस, थर्ड पुनः पूर्ति लाइसेंस जिसको बोलते हैं हिंदी में। फोर्थ होता है सप्लीमेंट्री लाइसेंस, अनुपूरक लाइसेंस। अब 11th नंबर का जो पॉइंट है वो है विदेशी विनिमय बिल। विदेशी व्यापार में आयात तो और निर्यात के मूल्य पर भुगतान करने के लिए विदेशी विनिमय का प्रयोग किया जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सामान्य विदेशी विनिमय बिल और दूसरा होता है प्रलेखीय विनिमय बिल। अब इसके बाद 12th है लेटर ऑफ क्रेडिट, साख पत्र। इसमें आयातकर्ता जो होता है वो अपने देश के बैंक से ये एक प्रकार से प्रार्थना करता है कि उसके लिए बैंक एक निश्चित रकम की साख खोल दे, उसका नाम ही है लेटर ऑफ क्रेडिट, और उसकी सूचना निर्यातकर्ता बैंक को दे दे, जिससे कि निर्यातकर्ता माल को स्थान पर उसके प्रलेख बीजक जहाजी बिल्टी आदि उस बैंक को सौंप देता है, जो उसके प्राप्त होने पर बीजक मूल्य के भुगतान कर देती है। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला तरीका होता है लेटर ऑफ क्रेडिट। सेकंड एक और होता है लेटर ऑफ हाइपोथिसिकेशन। यदि निर्यात प्रलेख बिल डॉक्यूमेंट्री बिल ऑफ एक्सचेंज के आधार पर किया जाता है, बिल ऑफ एक्सचेंज के आधार पर किया जाता है, तो बैंक जिसके माध्यम से प्रलेख भेजे जा रहे हैं निर्यातकर्ता से, प्रलेखीय बिल के साथ साथ एक बंधक पत्र भी ले लेता है। यह बंधक पत्र बैंक के अधिकार में होता है,
यदि आयातकर्ता ने बिल को स्वीकार नहीं किया तो बैंक माल को छुड़ाकर वहीं उस देश में बेच सकती है और अपनी रकम को वसूल कर सकती है। बिल ऑफ एंट्री, प्रवेश शुल्क, दो प्रकार का होता है ये। एक होता है कर देय प्रवेश शुल्क और एक होता है कर मुक्त प्रवेश शुल्क। लास्ट है अपना GRI फॉर्म, SDF फॉर्म। यह फॉर्म भारत में रिजर्व बैंक ने विदेशी विनिमय प्रबंधक अधिनियम, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा बोलते हैं जिसको, के अंतर्गत निर्धारित किया है। सभी निर्यात मूल्य रिजर्व बैंक के माध्यम से भारत में आएंगे और फिर इनको भारतीय निर्यातकर्ता को प्रदान किया जाएगा। इसके लिए निर्यातकर्ता को वह फॉर्म दो प्रतियों में भरकर कस्टम अधिकारियों को अन्य प्रपत्रों के साथ देना होगा जो माल के मूल्य का प्रमाणित करेंगे। इसकी एक प्रति कस्टम अधिकारी के पास रोक कर बाद में रिजर्व बैंक को भेज देंगे, दूसरी प्रति निर्यातक को वापस कर दी जाएगी जो अपने बैंक को रुपया वसूल करने के लिए अन्य कागजों के साथ दे देगा। जब बैंक को भुगतान आयातकर्ता से मिल जाएगा तो वह इस कॉपी को रिजर्व बैंक को भेज देता है। ये पूरी अपनी जो प्रोसेस है, कौन कौन से हमको डॉक्यूमेंट्स तैयार करने पड़ते हैं, है ना, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं विदेशी विपणन में काम आने वाले प्रलेख थे। थैंक यू।